जल्दी पानी दी मेरे बच्चे लोग मुझे पानी पिलाते वो खिलाते अपना हाथ पैर उपयोग नहीं कर पा रही थी। और एक दिन वो इतनी दुखी थी, डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया, दवाई दिया, एक महीना दवाई इंजेक्शन अस्पताल में, दो हफ्ते रही, डॉक्टर बोले ले जाओ कोई कुछ नहीं कर सकते। जब डॉक्टर जवाब दे दे, याद रखिए यीशु मसीह का जवाब हमेशा हाजिर रहता है। हालेलुया, उन्होंने घर ले आया, प्रार्थना करते नहीं। और एक संडे का दिन है, आज जैसा संडे है रविवार, चर्च जाने का दिन, कलीसिया गिरजा जाने का दिन, उन्हें याद है जब मैं चल पाती थी और बोल पाती थी, हाथ पैर चलते थे, संडे स्कूल लेती थी चर्च में जाके, परंतु आज मेरे हाथ पैर नहीं चल पा रहे। 9 बज रहा था, उन्हें याद आ रहा था 9 बजे मैं जाती थी रो हर संडे को, संडे स्कूल लेती थी, परंतु आज मैं जा नहीं पा रही। जब ऐसी करके वो रो रही थी, फूट फूट कर और विलाप कर रही थी, रो रही थी कि हाय मैं बच्चों को यीशु के आशीषों के चमत्कारों के बारे में नहीं बता पाऊंगी, अब मैं बता नहीं पा रही, 1 महीने से मैं बिस्तर में पड़ी हूँ। ऐसा करके जो फूट फूट के रो रही थी, अचानक से उसने देखा कोई आया उनके दरवाजे में और पास आके अपनी पीठ दिखा, पीठ देखी, अरे उसमें मांस जो था टुकड़े टुकड़े, खूना खून, हड्डियां दिख रही थी। और वो यीशु आए उसके पास और कहा, बेटी देख देख बेटी, मैंने तेरे पीठ तेरे चंगाई के लिए अपनी पीठ पर इतने कोड़े खाए, लहू लुहान हुआ, खून किया अपनी खून मैंने तेरी चंगाई के लिए बहा। ऐसा करके अपने छिदे हुए हाथों से बहन को छुआ छुआ छुआ, और जब छुआ उसी समय उनको एक करंट सा महसूस हुआ, उनके अंगों में नई जान आ गई, ताकत आ गई। और उसके बाद यीशु ने कहा, मैं चंगा करता हूं बेटी, खुशी से जा, मेरे कलीसिया में जा, मेरी गवाही दे। और यीशु मसीह चले गए और वो आंटी बिस्तर से उठी और चिल्लाने लगी, कूदने लगी, यीशु ने मुझे चंगा किया। उसके पति उसके बच्चे लोग आए, बोली आज अभी यीशु मसीह मेरे पास आए, और जब मैं रो रही थी लकवा के कारण मेरे हाथ पैर नहीं चल रहे थे, मैं अपाहिज हो गई थी, यीशु ने मुझे ताकत दे दी, तंदुरुस्ती दे दी, मैं चल पा रही हूँ। चलो चर्च जाएंगे, कलीसिया जाएंगे। और तुरंत यदि आज आप बीमार, आपकी कोई आवश्यकता, कोई चीज आपको नुकसान हुआ हो, आर्थिक आपका जमीन, आपका खेत, आपका घर, आपके पैसे किसी ने ले लिए हो और लौटा नहीं रहा हो, बीमार है, गठिया हो गया, मासिक धर्म का समस्या हो, ओ वो ब्लीडिंग हो रही हो, आपको रक्तस्राव हो रहा हो, दमा की प्रॉब्लम हो, अस्थमा की हो, बार बार आपको छाती में दर्द होता हो, दर्द जलन होती हो, सिर दर्द होता हो, आंखें बंद कर लीजिए। हालेलुया, वो चंगा करने वाला यीशु, चमत्कार करने वाला, अंधों को आंखें देने वाला, मुर्दों को जिलाने वाला, लंगड़ों को चलाने वाला यीशु नासरी आज हमारे बीच में है। ओ हालेलुया, धन्यवाद यीशु, लंगड़े चलाने वाला, अंध दिखाने वाला, अंधों को देता आंखें, मुर्दे जिलाने वाला, वो लहू मुझे को दे दो, वो सलीब मुझे को दे दो, वो लहू मुझे को दे दो, वो सलीब मुझे को दे दो, जो
गोड़ी शुद्ध करने वाला दिखाने वाला। हाँ प्रभु जी, हरे भाई हरे बहन, यदि किसी आपके छाती में समस्या है, पेट में है, वहां अपने हाथ को रख लीजिए। मैं इसी समय इसी वक्त यीशु के नाम से प्रार्थना करूंगा, वो चंगा करने वाला, अंधों को आंखें देने वाला, लंगड़ों को चलाने वाला, मुर्दों को जिलाने वाला, कोढ़ियों को शुद्ध करने वाला। यीशु आपको छुएगा, छुएगा, छुएगा। सब अपनी आंखें बंद रखें। आज हमारा यीशु मसीह हमारे बीच में है, वो आपका सृष्टि करता है, वो आपसे प्यार करता है, वो आपको नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। बोलिए, बताइए उससे कुछ मिनट, उसको बताइए अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी समस्या। मुझे बार बार दर्द होता है, मेरा बार बार पेट खराब हो जाता है, ये मिर्गी का दौरा बार बार पड़ता है, मेरे गर्दन में गिल्टिया है, मेरे भविष्य को लेके मैं चिंतित हूँ। ओ हालेलुया, वो चंगाई देने वाला, अद्भुत काम करने वाला यीशु, ओ काम करेगा, काम करेगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सब लोग मुंह बंद ना रखें, बताएं यीशु मसीह आज आपके पास से जा रहा है, वो लोग आंखें देने वाला यीशु। हालेलुया, न कभी वो भूलेगा, न कभी वो छोड़ेगा, न कभी वो भूलेगा, न कभी वो छोड़ेगा। यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार, हुए लहू से तेरी सारी बदगारी, चंगी करे वो तेरी सारी बीमारी, हुआ क्रूस पे कुर्बान ताकि बचाए जा, हुआ क्रूस पे कुर्बान ताकि बचाए जा, करता है बेहद वो प्यार, करता है बेहद वो प्यार। हालेलुया, न कभी वो भूलेगा, न कभी वो छोड़ेगा, न कभी वो भूलेगा, न कभी वो छोड़ेगा। यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार। भाई, आपके लिए आपकी ईमानदारी का इनाम यीशु देने जा रहा है। क्यों चिंता करता है? प्रभु कहता है, मेरे बेटे, मैं एक वचन को देखता, अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दे, यीशु तेरी चिंता करेगा। वो कर वो चिड़ियों को खिलाने वाला यीशु तेरी चिंता करेगा। हालेलुया, तेरी आवश्यकताओं को पूरी करेगा। हालेलुया, पहला पत्रस पांचवा अध्याय सातवें वचन के अनुसार। हालेलुया, ओ भाई आशीष दे, ओ हरे भाई हरे बहन पर अपने सामर्थी अद्भुत चंगाई भरे हाथ को रखकर उन्हें चंगाई आशीष छुटकारा दे। हालेलुया, यीशु के सामर्थी अद्भुत चमत्कारी चंगाई भरे नाम में मानते हैं, आमीन। सब लोग बोले आमीन।